आज हम बात कर रहे हैं सितारगंज नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे की, जो हमेशा सत्ताधारियों में पर तीखे प्रहार पर सुखरियों में बने रहते हैं। साथ ही सितारगंज में विपक्ष की भूमिका निभाने में भी कभी नहीं चूकते हैं। एक बार फिर नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने सत्ता पक्ष को घेरते हुए नगर पालिका क्षेत्र में विधायक निधि से कराए जा रहे कार्यों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिन कार्यों के सहारे सत्ता पक्ष के लोग आने वाले निकाय चुनाव में जनता के बीच अपनी पैठ बनाने में लगे हैं, उनका कार्य नगर पालिका द्वारा कराया जाना था। श्री दुबे ने विधायक निधि के कार्यों को सवाल के घेरे में लाकर एक बार फिर सत्ता पक्ष को घरे में लाकर खड़ा कर दिया है। जो एक माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भेजा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सभी चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों के बताना चाहता हूं कि नगर पालिका बोर्ड ने जो है कि मार्च और अप्रैल में लगभग 100 से ऊपर निर्माण कार्यों का प्रस्ताव पास किया था, जो पहले तो राजनीतिकरण करके उसको टालमटोली करी गई। जब फिर बाद में उसका टेंडर हम लोगों ने निकाल दिया तो उस टेंडर में भी राजनीतिक दबाव में कमियाँ बताकर उस कामों में रुकावट डाल दी गई, वो काम नहीं हुए। फिर क्या करा कि उन कामों की लिस्ट नगर पालिका से प्राप्त कर अब वो सारे कार्य जो है कि नगर मेरे नगर पालिका क्षेत्र में विधायक निधि से कराए जा रहे हैं, और उसका मकसद मात्र उनका यह है कि जो कार्य मेरे नगर पालिका द्वारा होते तो मेरे और मेरे वार्ड मेंबरों के नाम के पत्थर लगते, और स्वाभाविक सी बात है जब वो विधायक निधि से हो रहे हैं तो उनमें जो है कि विधायक जी का नाम आएगा और विधायक जी विधायक निधि के काम के पत्थर उसके अंदर विधायक जी के पत्थर उसके अंदर लगाए जाएंगे। चलिए ठीक है, निर्माण कार्य होने चाहिए, लेकिन विषय सबसे बड़ा ये है कि उन जिन कार्यों को ये कराया जा रहा है उन टाइल्स रोडों के साथ नाली का निर्माण नहीं कराया जा रहा है। नालियों का निर्माण न होने की वजह से जो है कि पानी जो है प्रत्येक दिन आप देखिए परिवारों में से जो है प्रत्येक दिन पानी निकलता है, हर घरों से पानी निकलता है, उस पानी की निकासी नहीं होगी। वर्षा काल में जो पानी निकलता है उस पानी की सुचारू निकासी नहीं होगी, तो जिस कारण क्या होगा कि जब पानी की निकासी नहीं होगी तो जो इतना धनराशि लगाकर ये टाइल्स रोड विधायक निधि से बनाई जा रही है वो टाइल्स रोड टूट जाएगी, क्योंकि पानी तो रोड पर बहेगा और निरंतर बहेगा, ऐसा नहीं कि वर्षा काल में हमेशा बहेगा और ये टाइल्स रोड टूट जाएगी और धन का दुरुपयोग हो जाएगा। तो मैं इसलिए मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है कि जो धनराशि विधायक निधि की होती है वो भी जनता की धनराशि होती है और उसका उस धनराशि का दुरुपयोग ना किया जाए, और जितनी भी टाइल रोडें नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत विधायक निधि से बनी है और अधिकांश रोडें ऐसी बनी हैं जिसमें जो है कि नाली का निर्माण नहीं किया गया है, तो मैंने ये मांग करी आज मुख्यमंत्री जी से कि उन रोडों के साथ जो है कि नाली का निर्माण भी कराया जाए। अगर नाली का निर्माण नहीं कराया गया तो निश्चित रूप से वो जो जैसी वर्षा काल आएगा और उसमें अधिक जब पानी टाइल्स रोड में भरने लग जाएगा तो वो जो है कि वो टाइल्स रोडें सब टूट जाएंगी और धन का दुरुपयोग होगा, जो जनता का धन का दुरुपयोग होगा। और मैं आपके चैनलों के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि मात्र अपने नाम के पत्थर लगाने के लिए, मात्र सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए और मात्र जो है कि आने वाले चुनाव को देखते हुए जनता को लुभाने के लिए कार्य ना किए जाएं, वास्तव में जो भी कार्य किए जाएं वो जनहित में किए जाएं, जो जनता के वास्तविक रूप से काम आए।